काला जादू। आओ मेरी तरफ क्या इशारा कर रही है? तूने काला पहना ना? काले से याद आया, कुछ दिन पहले इसकी एक कजन की शादी थी और हम उसके लिए लेने गए कपड़े, और मेरे कपड़े ढूंढना मतलब कि मेरे को कपड़े लेके देना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं वो जो शादियों वाले कपड़े हैं वो नहीं पहन सकता। तो मैं ये जा रहा और H&M से कैजुअल कपड़े उठाता हूँ, और ये लोग मुझे गालियाँ निकालते रहते हैं कि ये बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही कैजुअल है। तो बेसिकली मैंने उसमें उस शॉपिंग के दौरान ये जैकेट उठा ली, सेल पे मिल रही थी, ये कह रहा था मैं हल्दी मेहंदी पे पहन लूंगा, और इसने मुझे नहीं पहनने दी। अब हो गई सर्दियाँ खत्म दिल्ली में, और इसने मुझे परसों ही बहुत ही जोर से ये बोला है कि तुम फालतू की चीजें ले लेते हो, सीजन में पहनते तक नहीं हो। अब मैंने डिसाइड किया अगला एक हफ्ता मैं यही पहन के घूमा करूंगा। अच्छा, कल मैं से तूने उसी तभी टाइप ये पहनी का है। बंदा हूं। तो डू आई केयर? ठीक है, काला जादू। आस्क मी वंस, स्टार्ट। आस्क मी ट्वाइस, आस्क मी अगेन। कोई है करके एक सीरियल आता था, पता है? हाँ, कोई है करना है? नहीं करना है भाई, डरावना था। तू कुकर लेके आई है घर से? रुक जा, पहले मैं करता हूँ, ठीक है? सिंक करेंगे मस्त, पहले देख लो कितना लंबा है। कुछ तो होते ही है ना ब्रो, हमारे बैक बेंचर्स। फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिटी में शो करो, छोटा करो, महंगी टिकट, सस्ती टिकट, फर्क नहीं पड़ता, हर शो पे एक लंड आदमी रहेगा। पहले उसको ब्रो बोल रहा था, तो क्या हुआ? हर शो पे रहेगा कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि वो कितना लंबा है, भैया कितना लंबा है। प्रॉम्प्ट कर रहा होगा ना, ठीक है, वो देख लो ताकि अपन सिंक कर सके, ठीक है? चलो अभी मैं कर रहा हूं, सिर्फ सुनो। कोई है? ठीक है यार, अब सब साथ में करेंगे, ठीक है? मैं 1 2 3 करूंगा, उसके बाद कितना लंबा है? 2.3 सेकंड। कितना लंबा? सॉरी, मैंने बोला हर शो पे एक रहता है, यहां ज्यादा है, कभी कभी 2-3 होते हैं। ठीक है, ओके, रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी? ठीक है, 1 2 3 कोई है? हो गया फन? ये जूतिया पा करने का तुम लोग पैसा दिए? हम तो वो भी नहीं फ्री में। देश को है करके सीरियल आता था ना, उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा, जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी। क्यों? क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी। भैंसो ध्यान रखना। और मैं बोले, गांव वालों को स्विमिंग आती है, कुएं में गिर कर कैसा मरी? बोले वो कुएं में पानी नहीं था। अच्छा, तो गई क्यों थी? तुम समझ रहे हो, वो कुआ है ना, कोई रंगोली नहीं है तेरे घर के बाहर, कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया। ओहो, तू गांव वाली, तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई क्यों? कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते। नहीं, सच में कोई साधारण इंसान नहीं मर सकता, ये टिकटॉकर लोग ही है, ये अपनी धुन में ही नहीं रहता। हवा में उड़ता जा, हवा में उड़ गई, कुएं में गई, कुएं में गई भाई। और इसको गुस्सा किस चीज का? लोगों को मार डालती है। तू नहीं कर, क्या गुस्सा है? कह रहे मैं छप 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 करके नहीं मर पाई, मैं धप करके मरी। आप लोगों ने देखा नहीं ये सीरियल वगैरह इस तरह के आते थे? टीवी मूवीज वगैरह देखा, वेब सीरीज देखी है, राइट, थिएटर्स में पिक्चर देखी है। मैंने रियल में देखा है। मैं छोटा था, जूनागढ़, मेरे गांव में एक मौलाना रहते थे, मौलाना जिन निकालते थे। तो एक दिन गया मैं देखने, मेरे घर पे मेरा दोस्त आया था भूरा, भूरा फेमस हो गया भाई, भूरा भूरा फेमस, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं भूरे को लेके गया, भूरा बोला नहीं भाई मेरे को डर लगा। मैं बोला डरता है मरत, चल डर मत, मैं हूं।
हम लोग गए, मैं ही भागूंगा। और जैसे हम लोग गए ना तो वहां पे एक लेडी बुरखे में बैठी हुई थी ऐसे। Shit. तो मुझे लगा कान में हेडफोन है। भाई अच्छा झूमे जो पठान मेरी जान ओ भूत की आवाज। Motherfucker! भूत तो कहीं का भी लग सकता है ना। हाँ, कोई टूरिस्ट आया होगा। वो मौलाना लड़की की माँ को बुला बुली थे राज। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? लड़की की माँ बोलती है मौलाना मेरी बेटी एयर होस्टेस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड से वापस आई है और जब से वापस आई है इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो लड़की के अंदर था इंग्लिश जिन। वो मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। इनसे ही ट्रांसलेट करवा लिया होगा फिर। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को। ओहो ट्रांसलेटर की गांठ फट गई। बोले मौलाना ये क्या करवा रहे। अब जिन बुला लिया जिन तो आ गया जलाल में। जिन तो लाइक मौलाना ट्रांसलेटर को पूछे बोले क्या बोला ट्रांसलेटर को तो कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले नहीं बोलो जल्दी क्या बोला। मौलाना माधर चोद बोला तुम्हारे को। मैं और बुरा हंस रहे बोले मौलाना। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले हटो। मौलाना मोती निकाला ऐसे ड्रॉ में से कुछ तो किया है उसने। लड़की गिर गई। मैं बोला मार डाला। बुरा बोलता भाई कसौटी जिंदगी मिला रुक जा। ना अपन चश्मदीद गवाह है। मौलाना को जेल भेज के इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे। उतने में लड़की खड़ी हुई। मौलाना शिट यार सारा प्लान चौपट प्रॉपर्टी हाथ से गई। वो लड़की खड़ी हुई इस तरफ देख रही इस तरफ देख रही इस तरफ देख रही। बुरे को देखे बुरा डर मत इतना है पागल हो गया। लड़की गई उसकी माँ के पास और जाके खड़ी हुई और उसकी माँ को बोलती है अम्मी मैं कहाँ हूँ। अम्मी यहाँ पे क्या हुआ। एंड वी आर लाइक फक मौलाना डिड इट कर दिया भाई कर दिया अपने मोहल्ले का मौलाना भाई। मैं और बुरा क्रेजी हो गए। हम लोग फुगड़ी खेल रहे फैन हो गए फुगड़ी की। लड़की की माँ भी बहुत इमोशनल हो गई। वो भी बहुत इमोशनल हो गई रोने लगी। मौलाना के पास गई। मैं मौलाना को बोलती है मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी बेटी की जान बचा ली आपने मेरी बेटी का जिन निकाल दिया। मौलाना मैंने मौलाना बोलता है दैट्स माय जॉब मौलाना में चला गया। अब मौलाना से कौन निकालेगा जो तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूं ना। मेरे साथ जो हुआ वो बताऊं। 2007 की बात है। मैं 2007 में जूनागढ़ में रहता था और 2007 में ही मैं जूनागढ़ से इंडिया आया। सी ये जोक भी मैं ऑडियंस का आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ। मैम ये वो कॉलेज में बच्चे होते हैं ना जो वो भूत वाली कहानियां सुनाते रात को। जीरो हाँ। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2007 में जब मुंबई आया मैं अपनी आंटी के साथ रहता था और मैं बहुत बीमार हुआ। जब बीमार होते तो नॉर्मली क्या होता है हम लोग के गली में डॉक्टर रहता ना। नहीं नहीं जो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो दवाइयां देता है। लेकिन मतलब मैं कितनी बार डॉक्टर को ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे।
तो वो वाला डॉक्टर वो देता था 6 कलर की गोलियां 30 रुपए की पूड़ी बना डाल के। 2-3 दिन दवाई लिए, ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, डर गए सब लोग, क्या रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है? डॉक्टर भी बोल रहा कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है पर ये ठीक नहीं है, और मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ पेट में कुछ नहीं जा रहा, मुझे 10 दिन और ऐसा रहा तो ये मर जाएगा, यही बोलेंगे। क्योंकि मैं कुछ भी खाता था पीता था मेरे पेट में नहीं रहता था, दवाई भी नहीं जाती थी, मैं कुछ खाता था उल्टी हो जाती थी, मैं पानी पीता था उल्टी हो जाती थी। मेरी बिल्डिंग में एक औरत रहती है, वो मेरी आंटी के पास आई और आके बोलती है, सुनो सुनो यहाँ पे ना एक बाबा है, पैसा नहीं लेते। शुरू ही उससे किया उसने। तो जब कोई पैसा नहीं लेता तो क्या लेता, आपका एतबार बढ़ नहीं जाता? क्यों रे पैसा नहीं लेता, अच्छा ही करता होगा। मेरे को लेके गए बाबा के पास, बिठाए बाबा ने, ये जो दो अंगूठे है ये मेरे आई बॉल पे रखे और उसको दबाया। हाय हाय, आंटी मेरे को दुख रहा है। आंटी बोले बाबा पैसा नहीं लेते। शिट, तो ये क्या करते हैं, आई बॉल लेते हैं क्या? अब समझ रहे हो, कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत लगा के बैठा है और पैसे ही नहीं ले रहा है, तो आप तो भरोसा है भाई ये सही करता है? क्योंकि बाबा लोग की पब्लिसिटी होती है, इसकी नहीं है। यूजुअली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हुए रहते, पता है, ट्रेन में, रिक्शा में, शौचालय में लगे हुए रहते। आप ऐसे कभी शौचालय में ऐसे जाओ, मैम आप नहीं ब्रो, तो ऐसा मूतने खड़े रहेगा ना तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहा है कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। बाबा बंगाली रेलवे स्टेशन पे बड़ा होता है, अब नहीं होता, पहले होता था दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले, समझ रहे हो, हर जगह ये पब्लिसिटी है। हाँ। बट ये तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पैसा ही नहीं लेते। दबाया यार, दबाया ना, बाबा छोड़ो मेरे को। बाबा बोलते नहीं छोड़ूंगा। बाबा को लग रहा है उसने जिन पकड़ लिया। देखो नॉर्मली मेरे को कोई ऐसा दबाएगा तो मैं बोलूंगा ना बाबा छोड़ो यार, जोर से दबाएगा तो मैं बोलूंगा बाबा छोड़ो। तो आंटी को पूछ रहा है, बोले ये आवाज मुनव्वर की है? नहीं, आंटी को घर से ही चिल्ला के बात नहीं करता मुनव्वर कभी। हाँ तो उंगली भी तो नहीं घुसड़ते घर पे। दबाया जा रहा, दबाया जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने किया कैरेक्टर प्ले। बाबा दबा रहा, बोले चला जा इसके अंदर से। मैं बोला चला जाऊंगा। बाबा की भी फट गए, बोले ओ ये तो सच्ची में है। और सवाल पूछने लगा, कहां से आया इसके अंदर? मैं बोला ये खड़े खड़े पेशाब करता है। कुछ भी। 5 मिनट के सोल सेटिस्फेक्शन के बाद बाबा ने छोड़ दिया। मैं गिर गया, आंटी बोली मार डालो। वो बोले नहीं बेहोश हुआ है। मतलब बेहोश, अपने को पता है 5 मिनट बेहोश रहने गए, बचपन में देखा है। 5 मिनट बेहोश के बाद मैं उठा, मैं कहाँ हूँ? आंटी क्या हुआ यहाँ पे? आंटी क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि चूतिया बना रहा है, बट अब मैं भी तो नहीं बोल सकता कि चूतिया बना रहा है। हाँ। क्योंकि मैं भी चूतिया बना रहा हूँ, पाखंडी तो मैं भी हूँ। चलो चलो ठीक हो गया हूँ मैं, हम लोग ऐसे घर पे आ गए। 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मैं ऐसे नेचुरली ठीक हुआ, बट क्रेडिट मिल रहा है बाबा को। बाबा को मेरी आंटी सबको बिल्डिंग में जाके बता रही है, वो एक कैंसर पेशेंट है उसको जाके बोली, बोले यहाँ पे एक बाबा है पैसे नहीं लेता। अब वो कैंसर पेशेंट था कि बाबा है पैसा नहीं लेते।
आपने कहा अच्छा ऐसे चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाला काम। और हम इंडियंस इन सब चीजों में कितना मानते हैं, ब्लैक मैजिक में, काला जादू में। आई एम नॉट सेइंग है नहीं, है, बट इतना नहीं है जितना हम इसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या कर देते हैं इसके चक्कर में। आज भी मेरी आंटी को नहीं पता ये, आज भी मैं अगर उनको बोलूंगा ना तो नहीं मान रही वो, मेरे को बोलेगी अच्छा जिन वापस आ रहा है क्योंकि हम यकीन ही ऐसा करते। उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को कितने साल लगे थे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए। जस्ट इमेजिन अगर ओसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते बंगाली वाला बोला मैंने, इसमें मारते पिन। वहां पे ओसामा टीले पे ऐसे बयान कर रहा होगा सब, यहाँ सुब्रतो मार रहा है घट घट के सुब्रतो सुब्रतो ऐसा काला जादू करते ना ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता, आके बोलता हम ही मंजूली का कबूल है करता मैंने। बकरो काटो रख दो करबो ये मैं ऐसे ही बोल दिया। गुड गुड गुड। बट ये कॉमेडी के साथ साथ एक मैसेज भी है इसके अंदर। बट आंटी के लिए वही इम्पोर्टेंट है और आंटी ने 100 लोगों को बताया तो उनके लिए भी यही सच है। कई लोगों को एक चुल्ल होती है कि किसी को कुछ बताना है कि इस ये वाला डॉक्टर बेस्ट है, वो वाला बाबा बेस्ट है, उस चक्कर में लोग और कहानी और कन्विंसिंग बनाते हैं ताकि मैंने जो बताया है वो बहुत बेस्ट हो, ज्यादा बेटर है। ठीक है यार, वेरी नाइस, एंजॉय हो गया हमारा संडे को कॉमेडी देख के। अगर आपका भी हुआ हो तो हिट लाइक हिट सब्सक्राइब। और अगर इसके मुनावर फारूकी के आपने कोई देखे हुए हैं स्पेसिफिक वीडियोस, चाहे पुराने भी हो, मेंशन करो, वो वीडियो मेंशन करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, राइट, गुड पॉइंट, चलो ठीक है, ऑल राइट देन, सी यू लेटर, बाय बाय।